सो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए, घर में हो गए, ठीक हो गए। तो गाइस, आज की वीडियो हमारे होने वाली है कि हम कैसे पता करें कि हमारा पार्टनर जिससे हम प्यार मोहब्बत करते हैं वो किसी और का हो चुका है कि होने वाला है। तो कुछ टिप्स या कुछ बातें बताऊंगा, उन बातों को फॉलो करना और देखना होने वाला है कि नहीं। भाई देखो, इस टिप के अंदर सारी बात होती है भरोसे की। देखो, टिप से पहले बता दूं यार, सारी बात भरोसे की होती है। अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर भरोसा करता है तो भाई जाने की तो नौबत आएगी नहीं। अगर देखो यार, छोड़ने के दो रीजन होते हैं। एक एक रीजन ये होता है कि उस इंसान को जो आपसे चाहिए था, उसको उस चीज की नीड थी, वो नीड मिल गई, अब उसको आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो वो चला गया। और दूसरी चीज ये होती है कि आपके पार्टनर को प्यार आपसे भी है, बट वो ज्यादा प्यार उस इंसान से करता है तो वो कोई प्यार नहीं है। लोग इसको ऐसे बोलते थे कि यार मुझे दो दो लड़कियों से प्यार होगा, लड़कों से प्यार होगा, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ऐसे करके बोलते रहते। तो दूसरी चीज ये है कि उसको किसी और में इंटरेस्ट आने लग गया। चलो टिप नंबर वन की तरफ चलते हैं। टिप नंबर वन में देखो भाई, यहाँ पे आता है टाइम, समय। आप जो इंसान आपसे दूर होने वाला होगा वो क्या हरकतें करेगा, वो सबसे पहली चीज होगी समय, टाइम देना। जो आपको उस टाइम पे वो टाइम देता था, जितना टाइम आपको देता था, अब वो उतना नहीं देता है। अब वो किसी और को वही टाइम देता है जिस टाइम पे आपसे बातें करता था, पूरे दिन रात आपसे उस टाइम पे बात करता था, अब उसी टाइम पे वो किसी और से बात करता और आपको ये बोलने लगा है कि यार मैं बिजी होने लगा हूँ, मेरे घर में ये हो गया, ऐसे होगा, मतलब कुछ बहाने बनाएगा आपसे दूर जाने के, मतलब। और वो बहाने बना के वो उस इंसान से बात करेगा। तो टिप नंबर वन थी टाइम। जिस टाइम पे वो पहले आपसे बातें करता था, अब वो किसी और से बात करने लगा है। अगर ऐसा आपके रिलेशनशिप में होता तो भाई सोच लेना कि दूर या बढ़ रही है। अगर आपका पार्टनर चिड़चिड़ा होने लगा है, चिड़चिड़ा इन द सेंस ऑफ की जैसे कि वो छोटी छोटी बातों पे आपसे लड़ाई करने लगा है, एक तो टाइम भी कम दे रहा है और ऊपर से जितना टाइम दे रहा है, दे रही है, जितनी भी बात हो रही है तुम्हारी, वो लड़ाई हो रही है, तो भाई तुम सोच लेना कि दूरियां सच में बढ़ने लगी। क्योंकि यार देखो यार, मैं मान दो हर रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसी बात नहीं कि ऐसा कोई रिलेशनशिप में जिसके अंदर लड़ाई ना होती हो, हर रिलेशनशिप में लड़ाई होती है, बट बार बार लड़ाई हो रही, छोटी 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 से छोटी बात पे तुम्हारी लड़ाई हो रही है, कुछ भी बात हो तुम उससे, वो सामने वाला बंदा तुम्हें, फिर तुम्हें ऐसा लगने लगे कि यार ये तो जानबूझ के मुझसे लड़ाई कर रहा है, तो भाई तुम सोच लेना कि तुम्हारी दूरियां बढ़ रही है। टिप नंबर फोर, जैसे कि तुम्हारी तुम्हारे पार्टनर से एक टाइम पे सुबह सुबह बात होती थी, वो आपको फोन करके उठाता था या किसी भी चीज से, मतलब वो आपको सुबह उठाता था, अब वो नहीं उठाता है, तो मेरे भाई सोच लेना सच में दूरियां बढ़ रही है। आपका पार्टनर आपसे दूर होने लगा है, उसका जो इंटरेस्ट था तुम्हारे अंदर वो उसने खो दिया, वो इंटरेस्ट किसी और में आ गया है, अब वो डेली सुबह फोन करके किसी और को उठाता है। एक दिन चलता है यार कि नहीं हो पाए, कुछ चीज हो गई थी, कुछ गलत मजबूरी हो गई थी, जो बार बार ये चीजें कर रहा है कि भाई, तो भाई सोच ही लेना तुम सच में कि दूरियां धीरे 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 बढ़ रही है और आपका पार्टनर आपसे दूर हो रहा है। टिप नंबर फोर, अगर आपका पार्टनर बहाने ढूंढता है आपसे दूर जाने के और वो ये दिखाता है कि आपसे बहुत प्यार करता है, आपको दिखाता है। देखो यार, कोई सामने वाला बंदा जब आपको दिखाएगा नहीं, जब वो दिखाने लग जाएगा कि सच में प्यार कर रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई वो हाथ दिखा रहा है कि वो मेरे से प्यार कर रहा है। जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि यार वो बहाने मार रहा है कि यार मेरे को आपसे बात नहीं करनी, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, एक बार अच्छी लगती है चीजें, बार बार अच्छी नहीं लगती हैं, जब वो बहाने मारने लग जाए और दिखाने लग जाए अपने प्यार को, दिखाने लग जाए, मतलब एक होता है ना अलग से इंसान रिएक्ट करने लग जाता है, तो भाई समझ जाना कि दूरियां बढ़ रही हैं। भाई ये थी टिप मेरी। देखो भाई यार, जिसको जाना होता है ना, अगर भगवान भी आके रोकेंगे ना उन्हें, तो भी वो नहीं रुकेंगे। कहीं ना कहीं पे यार हमारी भी गलती होती है, वो अगर वो गलती हमें बताना नहीं चाहते हैं, हमारी गलती होती है, वो गलत सोच रहे होते हैं, हमारी गलती नहीं भी होती है पर वो गलती समझते हैं, कई कई बार ऐसा रिलेशनशिप में हो जाता है इसलिए वो दूर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे उसने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, जरूरत थी वो उसने पूरी की, अब वो किसी और के पास जा रहा है, ऐसा भी होता है। गाइस, किसी भी चीज की टेंशन मत लो यार, अपनी जिंदगी के अंदर खुश रहो। ये धोखे आना जाना, फिर किसी और का आना, फिर किसी का जाना, ये चलते रहते हैं यार, एक जिंदगी मिली है, अपने अच्छे से जियो यार। अगर वो भी अगर तुम्हें ऐसा कर रहा तो तुम भी करो ना यार, तुम किसी को दिल से लगाओ, मैं दिल से लगाओगे तो भाई दिल टूटेगा, ये एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रहा हूँ कि यार दिल से मत लगाओ।
यानी कि मतलब कम लगाओ दिल से, मतलब नॉर्मली बात करो। अगर आपको ये लगने लगे ना कि भाई वो सामने वाला बंदा मेरे से हाँ सच में प्यार करता, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता है, सच में हाँ भाई प्यार करता है मुझसे, लव करता है, तो भाई तुम भी करो। बट अगर यार वो फॉर्मेलिटी करता है, थोड़े दिन बात करके फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है किसी, फिर अगर वो ऑनलाइन भी रहता है फिर भी आपसे बात नहीं करता है, तो भाई उसको इतना दिल से मत लगाओ, आपका दिल टूटेगा ही, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा यार, दिल टूटेगा। देखो यार, जो गया उसे जाने दो और जो आ रहा है उसे आने दो, मगर दिल से मत लगाना, दिल से मत लगाना, बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। और हाँ, मेरे को अगर आपको कोई मेरे से क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे से बात करनी हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसे लगी और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की बनाऊं। ओके, जब तक बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।